आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास डेविड पी आइज़ैक से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर की धन्य नाम में स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में और मेरी ओर से सबको हार्दिक अभिनंदन। आज का मनन के लिए प्रेरितों के काम पहले अध्याय का 11वां पद, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उस रीति से वह फिर आएगा। कुछ सप्ताह के पहले प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन और हमारे उत्तरदायित्व के बारे में चार बात के बारे में मैं बताया है, लेकिन थोड़ा जो शब्द बोल के मैं जल्दी समाप्त किया, विराम किया है। आज और जो दो बात जो मैं बोलने के लिए मैं चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का जो मसीह फिर से आने वाला है, प्रभु के पहले आगमन और दूसरे आगमन में क्या अंदर है? पहला आगमन पापियों का उद्धार करने के लिए था। उद्धारकर्ता परमेश्वर मनुष्य बना, वे काल के अधीन थे, पर काल में उत्तर आए। मानव जाति के पापों के लिए यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर हुई, परंतु भविष्यवाणी के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठे। और प्रभु यीशु ने 40 दिन अपने शिष्यों के साथ समय व्यतीत किया और बादलों पर सवारी करके स्वर्ग चले गए। प्रभु यीशु ने कहा, मैं फिर से आऊँगा। प्रभु का दूसरा आगमन पाप के संबंध में नहीं, परंतु जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है उनको अपने संग ले जाने के लिए हैं। मैं दो बात ऑलरेडी जो बताया है, और तीसरा बात यही है, और एक पवित्रता का जीवन वेदित करो, यह तीसरा उत्तरदायित्व है। हे प्रियो, उस अभी हम परमेश्वर के संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतने जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसके वैसा ही देंगे जैसा वह है। जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। पहले योना तीसरा अध्याय का दूसरा और तीसरा में लिखा है। परमेश्वर के संतान की एक आशा है। क्या है वह आशा? यह कि प्रभु यीशु प्रकट होगा। प्रभु यीशु प्रकट होगा तो एक परमेश्वर के संतान को क्या लाभ होगा? दो बात हैं। एक, वह प्रभु के सामने प्रभु के समान होगी। दो, वह प्रभु को देखेगा जैसा वह है। यथार्थ में, साक्षात में, और जो परमेश्वर के संतान प्रभु यीशु को देखेगा, उसके जीवन की सारी तकलीफ, मुसीबत, कष्ट और कठिनाई समाप्त होगा। प्रभु उसके सब आंसू पोंछ डालेगा। स्वर्ग जो अत्यंत उत्तम स्थान है, परम पवित्रता और परम आनंद का स्थान है। परम पवित्रता के स्थान में सदा सर्वदा रहने वाले संतान को अपने आप पवित्र करना है। जैसे प्रभु यीशु पवित्र है, पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इब्रानियों की पुस्तक
बारहवां अध्याय का 14 में लिखा है, प्रभु हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा, अंध आशावान बने और पवित्र जीवन वेदित करे। और हम थोड़ा ध्यान रखने का एक बात है, और दूसरे चौथा बात यही है, लिखा है प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। पहले कुरिंदी जो 15 अध्याय का 58 जो पद में लिखा है, पहले कुरिंदी 15 अध्याय पुनरुत्थान और प्रभु के दूसरे आगमन को स्पष्ट एवं विस्तृत विवरण देने वाला अध्याय है। पुनरुत्थान और दूसरे आगमन के बारे में बताने के बाद प्रेरित पौलुस विश्वासियों से अनुरोध करते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहली शताब्दी के विश्वासी बड़ी आशा के साथ प्रभु के आगमन की बाढ़ जो रहें दे। उनकी पीढ़ी में ही प्रभु आएगा, वह उनका विचार था। इसलिए उस आशा के साथ साथ प्रभु के काम में वे बढ़ते जाते थे। वे वचन सीखने में, प्रार्थना में, संगति रखने में, आराधना करने में, प्रचार करने में लवलीन रहे। अब हमें नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची हैं, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। 2000 साल पहले विश्वासी यीशु मसीह के आगमन के लिए बड़ी प्रतीक्षा की, तो हमें आज यीशु मसीह के आगमन के लिए कितने अधिक प्रतीक्षा करनी है और प्रभु के कार्य में आगे बढ़ना है। इन वचनों द्वारा प्रभु हमको आशीष दे और प्रभु का नाम में महिमा हो।